We are talking about zero-based budgeting, and we have gone through a reasonable stuff regarding zero-based budgeting. Let's now discuss what advantages an organization can avail by implementing zero-based budgeting, by implementing the technique of zero-based budgeting successfully. Ke agar ek institute ya ek organization successfully zero-based budgeting technique ko implement kar lete hain, to kya advantages is particular technique ko istamal karne ke kya advantages hote hain. Usme first of all, alternative analysis. Ek jo pehla fayda, jo ek first and foremost advantage hai zero-based budgeting ka students, that is alternative analysis. That you just don't restrict yourself on a single method to achieve something. You see, you look for the alternative methods. You go for certain, you know, number of methods to achieve something. Ab isme agar hum objectives ki baat kare, organization ke objectives ki, to unko achieve karne ke liye जब प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं, जो हमने सारी बात की थी जीरो बेस्ड बजटिंग के हवाले से, तो जो मेथड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, वो फिर एक से ज्यादा किए जा सकते हैं. क्योंकि आपने देखना ये होता है कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और लेस कॉस्टली है. यू सी, कि आपकी उस पर लागत भी कम आए और आपको उससे फायदा भी मैक्सिमम हासिल हो. तो एक तो एडवांटेज जीरो बेस्ड बजटिंग ये प्रोवाइड करती है कि जो यू नो फाइनेंशियल मैनेजर है, जिसने इसको इंप्लीमेंट करना है, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एन अल्टरनेटिव एनालिसिस. यू सी, कि वो मल्टीपल मेथड्स को देखता है और फिर डिसाइड करता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि कौन सा मेथड बेहतर है और कौन सा मेथड बेहतरीन है. विच वन इज द बेटर एंड विच वन इज द बेस्ट. अनदर एडवांटेज इज यू सी बजट इन्फ्लेशन के हवाले से एक एडवांटेज ये है कि आप आर्टिफिशियली बजट को इन्फ्लेट नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, जो जिसमें एक डिसऑनेस्टी या एम्बेजलमेंट का एक यू नो एलिमेंट हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से ही बजट को बढ़ा चढ़ा के आपने पेश कर दिया. तो चूंकि हर एक्टिविटी की नीड को आपने जस्टिफाई करना है जीरो बेस्ड बजटिंग में, यू सी, हर एक्टिविटी जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड है फंड्स, आपने उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी नीड को जस्टिफाई करना. सो देर इज अ लेस चांस कि आप बजट को इन्फ्लेट करके, बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा फंड्स ले लें. ऐसी कोई यू नो इसमें फैसिलिटी नहीं मिलती उन लोगों को जो कि डिसऑनेस्टी या एम्बेजलमेंट करना चाहें. तो इट इज आइडेंटिफाई, इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई इफ देर इज अ बजट इन्फ्लेशन यू नो प्रेजेंटेड टू द टॉप अथॉरिटी. तो अगर तो इस टेक्निक पर हैं आप, तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बजट को जो है वो अवल तो उनके लिए चांस ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक्टिविटी की जस्टिफिकेशन देनी है. तो अगर आप कहीं बढ़ा चढ़ा के बजट लिखेंगे भी, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और जस्टिफाई अगर आप नहीं कर पाएंगे, या अगर आप उसको जस्टिफाई कर भी दें, तो टॉप अथॉरिटी पे या उसका जो भी एवेल्यूएट करने के लिए मौजूद होगा, वो ये देखकर कह सकेगा कि आपने ये फलां एक्टिविटी के लिए ज़्यादा पैसे लिखे हैं, जबकि ये इससे कम पैसों में भी ये काम हो सकता है. सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. देन कम्युनिकेशन. यस, हमने बात की, आपको याद होगा जब हमने ट्रेडिशनल बजटिंग के साथ कंपेरिजन किया जीरो बेस्ड बजटिंग का, तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल बजटिंग में सिर्फ एक वर्टिकल कम्युनिकेशन, जबकि जीरो बेस्ड बजटिंग में जब
हर डिपार्टमेंट अपनी नीड्स को एनालाइज कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो उसमें तकरीबन सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो यू ऑब्जर्व अ बेटर कम्युनिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे की बात को वो समझते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं और एक बेहतर तरीके से अपने अपने डिपार्टमेंट की नीड्स को और उसके लिए जो फंड्स दरकार हैं उसको जस्टिफाई करते हैं. देन अनदर एडवांटेज ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज दैट इट एलिमिनेट्स नॉन की एक्टिविटीज, जो अहम नहीं है, गैर अहम जो भी मामलात हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट ऑल दोज एक्टिविटीज. सो दिस इज द ब्यूटी जो हमने पहले बात की थी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीरो बेस बजटिंग, जो हमने पहले बात की थी कि ट्रेडिशनल बजटिंग में एक रिवायत चलती आ रही है कि चूंकि ये हिस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी के लिए हर साल फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, दैट्स वाई इस साल भी उसके लिए फंड्स एलोकेट करने हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो एक्टिविटी अहम भी है, उसकी जरूरत भी है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं. सो जीरो बेस बजटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाइंग दीज नॉन की एक्टिविटीज और फिर जब उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती तो फिर उनको एलिमिनेट भी कर दिया जाता है. एंड देन मिशन फोकस, यू सी, यू गो फॉर दोज एक्टिविटीज, यू गो टू गेट द फंड्स फॉर दोज पर्टिकुलर एक्टिविटीज विच आर मिशन फोकस्ड, विच आर वेल अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपकी जो जस्टिफिकेशन है ना, जो हमने बात की कि यू नीड टू जस्टिफाई द नीड, तो वो जो जस्टिफिकेशन है दैट शुड बी अलाइंड विद द मिशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो अलाइंड नहीं है तो फिर उस स्पेसिफिक एक्टिविटी की कोई जरूरत भी नहीं है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज एन अदर एडवांटेज ऑफ जीरो बेस बजटिंग. एंड देन रिडंडेंसी आइडेंटिफिकेशन, कि अगर कोई एक्टिविटी है जो यू नो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बार बार हो रही है और उस पर बार बार कॉस्ट भी आ रही है, तो क्यों ना उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए और उस पर एक ही दफा कॉस्ट इनकर की जाए और तमाम जो फिर डिपार्टमेंट्स हैं वो उसी से इस्तफादा हासिल करें. सो दिस इज एनदर एडवांटेज ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. एंड फाइनली इट रिक्वायर्ड रिव्यू. और रिव्यू से मुराद क्या है कि आपको जो आपने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की, जो हमने फॉर्मुलेशन स्टेप्स पढ़े थे, आपको याद होंगे डिसीजन यूनिट्स, डिसीजन पैकेजेस, तो उस हवाले से जो आपने डिजाइन की, बजट रिक्वायरमेंट्स बताई, उसकी जस्टिफिकेशंस बताई, उनका जो है वो रिव्यू किया जाता है, ठीक है, और ये देखा जाता है कि वाकई ही ये जो बजट रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर फेयर इनफ, और फिर उनकी एलोकेशन की जाती है. सो हमने एक बात की थी कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है और ये थोड़ा सा यू नो एक हार्डवर्क, इसमें हार्डवर्क का एलिमेंट मौजूद. तो इसमें फिर आपने जब जस्टिफिकेशंस बनानी है, फिर उनके रिव्यूज भी होने हैं, तो बाय समिंग अप यू कैन से कि जब आप जीरो बेस बजटिंग टेक्निक यूज करते हैं तो आप ये वो तमाम एडवांटेजेस हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं आप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट ऑन अ जनरल नोट ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनकी हमने बात की, कि ये एडवांटेजेस हो सकते हैं व्हेन द टेक्निक ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज एम्प्लॉयड.